हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस चैनल में जो है, मैंने सोचा बहुत टाइम से मैं फिर से वो हो गई थी व्लॉग्स बनाने के बाद, एकदम थम सा गया था मेरा चैनल, वीरान हो गया था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना फिर से कुछ पोस्ट किया जाए। बहुत बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी मुझे नाटी ट्यूटोरियल के लिए, और वो भी हिमाचल के लोग नहीं, हिमाचल के तो ऑब्वियसली काफ़ी सारे लोगों को आती है ऑलरेडी नाटी, तो हिमाचल के कम थे, बट हिमाचल से बाहर के लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप नाटी के ट्यूटोरियल्स अपलोड कीजिए, और प्लीज़ अगर आप उसके लिरिक्स एक्सप्लेन कर सकें तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो ऐसा ऐसा वो बोल रहे थे। फिर मैंने सोचा क्यों ना ऐसे कुछ किया जाए, और मैंने फिर मैंने अभी ये डिसाइड किया है कि नॉट जस्ट वन ट्यूटोरियल, मैं हर सॉन्ग पे एक, मतलब जो मुझे लगेगा कि मेरे को इस सॉन्ग पे बनाना चाहिए, उन पे एक ट्यूटोरियल बनाऊंगी नाटी का, किसी भी सॉन्ग पे, कोई भी स्पेसिफिक सॉन्ग लेकर, जिसके मैं लिरिक्स भी एक्सप्लेन करूंगी साथ में, क्योंकि व्हेन यू नो द लिरिक्स इट बिकम्स ईजियर टू डांस ऑन द सॉन्ग, है ना। किसी भी गाने की बात है ये, मतलब अगर आपको लिरिक्स पता है तो यूं जबरदस्त डांस किया जाता है, ऐसे यूं के बढ़िया, है ना, नाटी में तो स्पेशली सब चीज़ें गोल गोल भाई, है ना। तो ऐसा है कि आज हम लोग सीखने जा रहे हैं नाटी, और जिस गाने पर हम आज नाटी करने वाले हैं वो है मेरे फेवरेट सर का, डॉक्टर KL सहगल जी का, तो तेरे हाथों दी छुनकू दाची। आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही फेमस सॉन्ग है ये, बहुत पुराना भी और फेमस भी है, और तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वन मोर थिंग, सो सबसे पहले आई वुड लाइक टू डिस्क्राइब दी अटायर दैट आई एम वेयरिंग, मतलब जो कपड़े मैंने पहने हुए उनके बारे में मैं पहले बताना चाहूंगी। सो दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल धातु जो कि मम्मी का है, मुझे नहीं पता कहाँ से खरीदा है, पता नहीं खरीदा है या किसी ने दिया होगा, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि एक्चुअली हमारे यहाँ ना ये, मतलब शिमला में ये करसोक साइड हमारे थोड़ा रिवाज है, मतलब बहुत जगह भी होगा, मुझे इतनी जगहों का पता है, रिवाज है कि हम धातु भी दे देते हैं कई बार मैरिड लेडीज को, मतलब एज अ गिफ्ट, छोटा सा गिफ्ट, तो उसके तौर पर ये किसी ने धातु दे दिया होगा मम्मा को शायद, या खुद खरीदा होगा तो पता नहीं मुझे, ठीक है। दूसरी चीज, अ वेरी ब्यूटिफुल, ये आप देख सकते हैं चोके सेट जो मैंने पहना हुआ है, जो एश द ग्रेस, मैं इंस्टाग्राम पे आपको ये पेज मिल जाएगा उनके, एश द ग्रेस के नाम से, सो आई हैव गॉट इट फ्रॉम देयर, आप देख सकते हैं, इट इज वेरी ब्यूटिफुल, और ये मतलब ये इसके साथ भी जा रहा है, थोड़ा सा वेस्टर्न लुक के साथ भी आपको ये पहनना हो तो आप पहन सकते हैं। आई जस्ट होप कि आप लोगों ने देख लिया होगा, नहीं देखा होगा तो आई विल शेयर इट डेफिनेटली ऑन इंस्टाग्राम, एंड ऑब्वियसली मैं उनकी प्रोफाइल का लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं एक बार, ठीक है। दूसरी चीज, ये जो मैंने पहनी हुई है बास्केट, इसको हम सदरी बोलते हैं, ये मैंने आई गेस आज 2021 चल रहा है ना अभी, तो ये आई थिंक सो 2013 की, तो डेफिनेटली उससे पहले की भी हो सकती है, 2013 की सदरी है, आप देख सकते हो मैं चीजों को इतना संभाल के रखती हूँ, एंड मोरओवर आई एम वेयरिंग दिस सूट। तो जो ये सूट है, काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि आप सूट कहाँ से लेते, तो सच्ची ऐसी बात बोलूं, आई एम नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव पर्सन और ब्रांड पर्सन, की किसी ब्रांड में जाओ जी बढ़िया सूट चुनना लगता है, कुछ नहीं होता, ठीक है। तो मैं बहुत ऑर्डिनरी सूट्स पहनती हूँ, क्योंकि मैं खुद को जहाँ पर मुझे कंफर्टेबल लगे आई वेयर दोज क्लोथ्स, तो ये बहुत ही कंफर्टेबल और मुझे बहुत ही सिंपल सोबर सा सूट लगा, क्योंकि ऑफिस ये थोड़ा कॉलेज जाने के लिए ठीक रहता है। सो ये सूट मैंने लोअर बाजार से लिया, दुकान का मेरे को नाम याद नहीं है, तो आपको भी लेना होगा लोअर बाजार आप आ सकते हैं, और स्पेसिफिक अगर दुकानों में ढूंढते फिरेंगे आप तो महंगा जरूर मिलेगा, क्योंकि नाम बड़े और दर्शन छोटे जैसा हो सकता है। सो बातें बहुत हो गई, लेट्स डू द डांस नाउ। तो मैं आप लोगों को इस गाने के तेरे हाथों की छुनकू दाची के स्टेप सिखाने जा रही हूँ अब। सो बेसिकली पहले, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेसिकली मूव में सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस ट्यून चल रही होगी, सो दिस विल बी आवर मूवमेंट, ठीक है। ये मूवमेंट हमने करनी है जब तक हमारी थोड़ी सी ट्यून चल रही, उसके बाद लिरिक्स आएंगे, तेरे हाथों दी छुनकू दाची, उसमें आपको क्या करना है, कोई ऐसे मूवमेंट नहीं, दाची आपके हाथ में, दाची क्या है, एक औजार है जो घास काटने के लिए यूज किया जाता है, हमारे यहाँ दाची बोलते हैं, कुछ लोगों के दराटी भी बोलते हैं, ठीक है, वो घास काटने के लिए यूज किया जाता है। अभी ये जो सिंगर है वो क्या कह रहे हैं इसमें, तेरे हाथों दी छुनकू दाची, मतलब तेरे हाथ में दाची है, ठीक है, और लड़की उसको पकड़ के ये कर रही है, तेरे हाथों दी छुनकू दाची। देखो मैं गाती बहुत बुरा हूँ, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेना, ठीक है, एक बार हो गया, फिर से आएगा, तेरे हाथों दी छुनकू दाची, फिर पूरी अदाओं के साथ, तेरी पतली कोमल, मतलब ये क्या किया हमने, ऐसे किया, यहां से स्टेप लेके थोड़ा सा इधर ठुमका मार दिया, क्या किया, बस कुछ नहीं, हाथ ऐसे फैलाए, इधर गए हम और यहां जाके
ठूंका मार दिया। ठीक है, ये क्या लिरिक्स है? तेरी पतली कोमरे गाची, ठीक है, कैसे? तेरी पतली कोमरे गाची, ठीक है। तो ये क्या है, इधर से गए और यहाँ जाके गाची, ठीक है। फिर यहीं से हमने ये पाँव ले जाना है पीछे ऐसे, और हाथ ले जाने ऐसे, ठीक है। ये पाँव कर दिए यहाँ से पीछे इस तरह से, और हाथ डायरेक्टली सिर पे, क्योंकि अब जो लिरिक्स आने वाले हैं वो हमारे इस धातु को जो है डिनोट करने वाले हैं, तो धातु को रेफरेंस देंगे, एक तरह से धातु की तरफ रेफरेंस देंगे। तो फिर हमने क्या करना है, सिर पे ऐसे हाथ रख के, मतलब धातु की तरफ, फिर स्टेप आएगा हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, ठीक है। हमने क्या किया, जैसे ही हमने इधर से स्टेप में हम यहाँ खत्म हुए, उसके बाद हाथ यहाँ, और फिर उसके पाँव की मूवमेंट ऐसे रहती है, 1, 2, heel, 2, heel, 2, heel, 2, heel, ऐसे करके आपने टो को पहले आगे लगाना है, हम टो से स्टार्ट करते हैं ऐसे ना, फिर उसके बाद टो पे हम लोग हैं, और फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, और हाथ आपके इस पोजीशन पे रहेंगे, बस दैट्स इट, ठीक है। एट स्टेप में आपने यहाँ आ जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या था, लिरिक्स में बता देती हूँ एक बार आपको इसके, पतली कोमरे गाची सीरे धट गाती हूँ ना, तो कुछ ऐसा ऐसा है, ठीक है। फिर हम लोग एट तक यहाँ पहुंच जाएंगे, एट के बाद हमारा आएगा फिर से वही चला है, सिर में सीरे धट कुकड़ा वही चला हुआ है बीबी। तो एट के बाद क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, ठीक है। एट पे हम यहाँ आ गए, फिर 1, 2, 3, 4, 5 and 6, ओके। सो हमारे नेक्स्ट स्टेप्स कैसे जाएंगे, जैसे ही हम लोगों का ये हुआ, इसके बाद एंड में क्या आता है, थोड़ा सा हमने आ करके फिर इधर से ही स्टेप आएगा एक, आराम से हमने आगे जाना, कमर ऐसे सही हिट रही है यूं, ये मूवमेंट हमारे कमर की धीरे धीरे, इट इज नॉट लाइक दिस, हल्की सी मूवमेंट है ऐसे ऐसे, बस कमर को एक तरह से हमने नीज बेंड कर रहे हैं, हम थोड़ी सी नीज बेंड कर रहे हैं, और थोड़ा सा अपने अपने जो हिप्स को उनको पीछे की तरफ ले जा रहे हैं ऐसे करके, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, 1, 3, 4, ऑन द काउंट ऑफ 4, ऑन द काउंट ऑफ 4 मतलब 4 तक गिनना है इसको कंप्लीट करते करते, ठीक है। ये फिर से वही है, दे दे हाथों दी छुनकू दाची, ठीक है। फिर तेरी पातली कोमरे में गाची में क्या करना है, 1, 2, 3, 4, क्या किया हमने, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ठीक है। फिर से आएगा सीरे, हमने अब इसके आगे क्या करना है, ये 1, 2, 3, 4, सीरे धट को काड़ा, 1, 2, 3, इस तरह से आपने करना है ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये टोटल 8 स्टेप्स करने हैं इस तरह की मूवमेंट पे, ठीक है। ऐसे जब हम कैसे मूव कर रहे हैं, हाथ राइट लेग आगे जा रही है तो राइट हैंड भी आगे जा रहा है हमारा ऐसे, और राइट लेग पीछे जा रही है तो राइट हैंड पीछे जा रहा है, और साथ में हमने थोड़ा सा झुकना भी, और विद स्माइल बाकी दिखानी, बढ़िया, ठीक है। 8 स्टेप्स करने ऐसे। तो अभी हम इस सॉन्ग में इतना ही करेंगे, अगर आप चाहते हैं कि आगे का भी मैं आपको सिखाऊं इसी गाने पर, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ओके। तो अब हम लोगों ने पूरा डांस सीख लिया है, मतलब इतना वाला पार्ट, तो अभी हम पूरा करेंगे इकट्ठे, ठीक है। बी रेडी, कमर पे हाथ रखिए और सुंदर सा मटक के दिखाइए एकदम। तेरे हाथों दी छुन कुदाची, तेरे हाथों दी छुन कुदाची, तेरी पतली कमरे गाची, सिरे ढट को काला सिमिया, सिरे ढट को काला सिमिया, सिरे ढट को काले सिमिया, सिरे ढट को काला। तेरे हाथों के छुर खुदाची, तेरी पतली कमरे गाची, सिरे ढट को काला सिमिया, सिरे ढट को काले सिमिया, सिरे ढट को इसी के साथ हमने आज के जितने मैंने आपको स्टेप सिखाने थे वो मैं सिखा चुकी हूँ, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगी हो ये वीडियो, और आपको इसमें से कुछ थोड़े बहुत स्टेप्स आए हों। तो अगर आए होंगे तो प्लीज 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 प्लीज
वीडियो बना के हमें जरूर भेजना, और आपकी वीडियो विद योर नेम एंड आप कौन सी जगह से हैं वो हम अपने फेसबुक पेज पर जरूर शेयर करेंगे। और एक मिनट यार, सांस लेने दो। सबसे बड़ी बात ये है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इससे क्या है, हम लोगों को एक थोड़ी और मोटिवेशन मिलेगी कि हम और अच्छी वीडियोस बनाएं और ज्यादा काम करें। मैं इसके अलावा और भी इंटरेस्टिंग सॉन्ग्स पे आपको डांस सिखाऊंगी, मतलब नाटी सिखाऊंगी, ओनली इफ यू आर विलिंग टू डू सो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जो ये सॉन्ग अगर आपको चाहिए तो वो भी, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगी कि किसका गाना मैंने लिया है, और आप फिर उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग की लाइंस ली हैं ताकि सभी के लिए इजी हो जाए गाने पर डांस करना। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई होगी तो आप मेरे को लाइक भी करेंगे, है ना, करना ना तुम्हें। रानी बकौरिया सीखे लो धोरे के डांस ना, नाचे भी लोया ते खाओ अजन भी रहो कि बोलो काम ना मेरा, ना घट दी कह करो वे नाचे नाचे भी थके।